बैंक के कामों में आज भी ग्राहकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बैंक का सर्वर काम नहीं करता और सारा ट्रांजैक्शन अटक कर रह जाता है। इसलिए अब भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम बनाया है। अगर आपका ऑनलाइन लेन देन किसी वजह से फेल हो जाता है तो एक दिन के अंदर आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो इस नियम के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। RBI ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि ऑनलाइन लेन देन फेल हो जाने के बाद अगर ग्राहकों को एक दिन के अंदर पैसा नहीं मिलता है तो बैंक और डिजिटल वॉलेट को ग्राहकों को रोज़ ₹100 की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। ये नियम यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम ई वॉलेट, कार्ड टू कार्ड पेमेंट और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के लिए बनाया गया है। सिर्फ डिजिटल ही नहीं, नॉन डिजिटल लेन देन के लिए भी केंद्रीय बैंक ने टाइमलाइन डिसाइड कर दी है। ऑनलाइन पेमेंट ATM और माइक्रो ATM में फेल लेन देन के लिए खाते में पैसे पहुंचने के लिए 5 दिन का वक्त दिया जाता है। RBI के सर्कुलर में कहा गया है कि ये रिफंड ग्राहकों के खाते में जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए और उनकी शिकायत दर्ज कराए जाने का इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए। तो अब आप भी अपने ट्रांजैक्शन फेल होने पर डरे नहीं, क्योंकि अब रिफंड में देरी होने पर RBI आपको ₹100 रोज़ पेनल्टी देगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।